कड़ी का लेखा
बाबा अब न बसो पंच किसान भाग गए पंच किसान बाबा अब ना
जीवन दे सच नूं पछाणन लई रोजाना जीवन विच बीत रही असलियत नूं जानन लई एग्जाम्पल बड़ी खूबसूरत है। गुरबाणी विच अनेकां थावां ते पिछले दिनां विच भी लाइन आई सी, बाबा रामदास ने शहर आखे है ते कह दिता बेगमपुरा शहर को नाम। कोई शहर एना बेगमपुरा है जिथे कोई गम नहीं बेगम है, जिथे कोई कलेश नहीं, जिथे कोई इख्तलाफ नहीं, झगड़ा नहीं, ऐसा कोई शहर है, उत्थे रामदास रहना लोचद ते कहंदा मैनू ये वतन खूब मिल गया, बड़ा चंगा ये शहर। बेगमपुरा शहर को नाम दुख अदो नहीं देता, न तो सुमीश खिर
राज ना माल, खौफ न खता न तरस जवाल। कैसा शेर, मैं बड़ा प्रसन्न हाँ इस शेर विच। एक गल वखरी है कि ऐसी उस दे शहर नू किन्ना ख्यालां विच तसव्वुर कीता है। ऐसी ते बाबा रामदास दा एक ठिकाना, एक स्थान, एक गुरुद्वारा बना दिता जिस दा नाम बेगमपुरा रख लिया रखिया। बहुत ही चीजा साढ़े विच ऐसिया आई हैं। गुरबाणी की एक लाइन है, अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जप सुख पाया राम। हुण ये नहीं किसी ने सोचा भी ये शब्द कदों दा है। उन्होंने हजूर साहब नदेड़ साहब का नाम अब चल नगर रख लिया। ऐसा कुछ होता है। असीं इट्टां पत्थरां दे शहरां नूं नाम दे फिरने हां, जो कुछ गुरबाणी दे कंसैप्ट विच जीवन दी कहानी है। हुण इत्थे बाबा रामदास शहर आ गए। ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗਾਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸਬਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਗਰ, ਗਾਉਂ, ਨਗਰ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਗਰ, ਉਹ ਗਾਉਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਤ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਗਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਤਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਭਾਈ ਰਮਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਤਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਭਾਈ ਆਖਦਾ, ਊਹ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਖਦਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਤਨ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ ਇਹ ਆਖਦਾ, ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੋ ਇਹ ਗਾਉਂ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ
सब्जेक्ट ये चल रहे ने जो कुछ असी हंडाया है ते जो सानू भविख विच दिसदा है कि ओ बाबा कबीर दे ए लफज सच्चाई साडे सामने नहीं आउंदी कि बाबा आब ना बसो ए गाँव, ये गल वक्री है कि इत्थे गल किसी नगर शहर की नहीं। एक एग्जाम्पल है बड़ा क्लीयर करते ने, कहते ने जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, एक निजाम बार है जो बदलता है, हर देश विच बदलता है, ते बदले हुए निजाम नाल उत्थों दे वसनीक लोगां दे सुख जां दुख दा क्या फल लगाया जा सकता है। निजाम बदल गए, सरकारां बदल गई, कानून बदल गए, संविधान बदल गए, पर बाबा कबीर कहते ने एक निजाम अंदर भी वसदा है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये दे ये शरीर ये भी एक गांव है, ये भी एक नगर है, ये भी एक शहर है, इत्थों दा भी कोई निजाम है, इत्थों दा भी कोई वातावरण जिहड़ा बदलदा रहिंदा है। गुरु कहिंदे देही गावा देही गावा जियो तारू मैं तो बसे पंच किरसाना। कहन लगे दे एक गांव है, दे एक गांव है ते जियो इंदे विच मुखी रूप विच बिठा दिता गया है। हिसाब तो मुखिए को मंगना होंगे, लेबर को तो नहीं, हिसाब तो मुखिए ने देना है, जरा मुखी है जरा जिम्मेवार है। ते जेड़े पांच किसान इंद्रे ने कर्म इंद्रे ने वो कर्म कर रहे हैं, बस ये पांच किसान कर्मिंद्रे कहने ने नैनू अखा की देख दिया ने, इनका हिसाब जीव ने देना, नकटू नक सरवनू कन सरवन रसपत जबान रसां दा पति मालिक, जिहड़ी हर किस्म दे रस नूं परखदी है, पड़चोलदी है, टेस्ट करदी है। ये सारे इंद्र जड़े ने काम ते ए कर रहे ने, ते जीव कोलों पुछदे भी नहीं, इत्थे जीव दी चलदी भी चलदी है ते मनदी है। केड़ी अजीब गल है, कर रहे ने किसान जीव दी मर्जी नहीं पुछदे ते हिसाब जीव नूं देना पै रहा है। नैनू नकटू सरवनू रसपत इंद्री कहा न मान। कहन लगे बाबा कबीर कहन लगे मैं इस नगरी विच नहीं रहना चाहता, देखना ये असी जिवें ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆਂ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ
किन्ने बनाया है? किसी दुश्मन ने थोड़ो बनाया है। जे उन्हों भी रब ने बनाया तो फिर रब कोई गलत काम थोड़ो करता है। हैं, रब दे कीते कम्मां नूं असीं पसंद नहीं करते, आखने बहुत माड़े, फिर साडा ते रब दा न्यू किवें लगेगा? इस शब्द का भी मतलब यह है, क्योंकि कुदरती लड़ीवार जिहड़ा शब्द बाबा कबीर जी का चल रहा उनका भी मेल है इस सब्जेक्ट नाल। नानक दुनिया कैसी हुई हुण? बाबा कबीर कहिंदा मैं इस नगरी विच नहीं रहना चाहता, इत्थे बेइंसाफी, इत्थे जुल्म है, इत्थे मन मर्जी चलती है किसान दी, वो किसानी कर रहे हैं, वो मर्जी नाल अपने काम कर रहे हैं, ते हिसाब देना पैंदा मैनू। धर्मराय जब लेखा मंगे बाकी निकसी भारी, पंच किसान बा भाग गए। जदों हिसाब देन दा वेला आया उदों ना उत्थे हाथ सन, ना पैर सन, ना नक सी, ना अखां सन, सारा कुछ इत्थे रह गया, वो ते नाल गया ही नहीं, वो ते सब कुछ इत्थे ही रह गया। पंच किसान वा भाग गए, ले बांधो जी दरबारी, दरबार विच हिसाब मंगया गया, बन लिया गया जीव नू। जीव औखा हो गया, कहन लगा मैं ओ जी जिम्मेवारी, मैं इहो जे संसार दी, इहो जे कारोबार दी, इहो जी नगरी दी मुतबरी लै के की लैणा सी? जीओ धर्म है तो मैं इत्थों दी, मैं तो पन अगवाई लै के की लैणा सी, मुखिया बन के की लैणा सी? आ कुछ मैं नहीं रहना चाहता। हुण मैं एक वार अर्ज़ कीती सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोई गल छुपा के नहीं रखी, दूजा पक्ष नाल नाल रखी, जिवें मैं अर्ज़ कीती असीं आउण वाले दिनां विच वेखणा नानक दुनिया कैसी होई दे सब्जैक्ट दे वक्ख वक्ख हिस्से, उहदा चंगा पक्ष वी लैणा। इसे तरहां गुरु नानक पातशाह जी ने बाबा कबीर जी का यह शब्द जो सुनिया, हम यह शब्द बाबा कबीर का, उनके बाबा कबीर उलंभा दे रहे हैं मैं इस जीवन की शरीर की धरती, क्योंकि शरीर जोड़ा उ गाँव है, देही गावा देही गाँव है, मैं इस गाँव में इस देही विच रहना नहीं चाहता, जिथे मैं हिसाब देना पैंदा जीव आख रहा है। पर गुरु नानक इन्ना निराश नहीं देखना चाहते, जिवें मैं अर्ज की आने वाले समय अंदर से भी देखना, दुनिया तो भी मनुख ने निराश नहीं होना। हाँ, उन्हों जिवें मैं कई बार अर्ज करता हूँ, तुसी देख रहे हो दवाई जिहड़ी है अरोग करन लई है ना, दवाई साड़ी दुश्मन थोड़ो है, मेडिसन मित्र है, बनाने वाली कंपनियां के ना मान खट रही ने, उन्होंने हर रोग लई दवाइयां भालनियां शुरू कर दित्तियां ने, बड़िया कीमती दवाइयां बन रही ने, साडिया मित्र ने, साडा रोग दूर कर दियां ने। पर केड़ी अजीब गल है, एक पासे असीं यह भी आखने कि हर दवाई का कोई साइड इफेक्ट होंदा है, साइड इफेक्ट रोज देखने आप जी, तुसी बाजारों कोई दवाई खरीदन जाओ, पैकिंग ले आओ, उन विच एक छोटा जिहा पुरजा पैम्फलेट पाया होंदा है, छोटा जिहा इश्तहार, वाकफियत पाई होंदी है भी इस दवाई दे की फायदे ने, इन विच की सॉल्ट वरते गए ने, की कुछ पाया होया है, ये तुहानू की लाभ पहुँचाती है, सब कुछ दस के फिर यह भी दसिया जाता है नाल भी इन साइड इफेक्ट की है, कभी पढ़ के भी लिखा नाले भी लिखा इन साइड इफेक्ट की, इन नुकसान की हो सकता है? वो दवाई जिहड़ी भले लई बनी है, जिहड़ी तुहाडी दोस्त है,
बुरा भी कर सकती है, पर जे तुसी उनकी मिकदार ते उनकी हर एक निजम नू ना समझ सके, इसलिए ये भी देख लियो ये साइड इफेक्ट भी है। जिन्हें दवाई बनाई है दुश्मनी ले नहीं बनाई, ते दुनिया साइड इफेक्ट पढ़ के कि दुनिया दे लोग जड़े ने वो दवाई लेना छड़ देंदे ने, खरीदी जांदे ने, दुकानों ते लाइना लगी हुई हैं, साइड इफेक्ट लिखा हुआ है फिर भी खरीदते पे, किस विश्वास नाल खरीदते ने कि जेड़ी गल उन्हें साइड इफेक्ट लिखा उन्दे तो बचना किवें, वो भी नाल नाल समझ लें। हुण देखना तो यह है कि देही गावा जिंदे तो कबीर परेशान है उन्दे तो साइड इफेक्ट तो बचना किवें, देखना यह है कि नानक दुनिया कैसी हुई जिहड़ा इत्थे जुलम है जिहड़ियां परेशानियां आपां नाल नाल देखनियां ने उत्थे फिर गुरु नानक समझाणगे इहदे साइड इफेक्ट तो बचना किवें, गल ते इत्थे मुकणी है। हुण इत्थे भी हो बाबा कबीर आखदा है बाबा अब ना बसोए गाऊं, मैं इस देही विच नहीं रहना चाहता, पर तुसी हैरान होवोगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच ही गुरु नानक दा शब्द है, ये बाबा कबीर जी दा इसे दे जवाब विच गुरु नानक दा शब्द है, हू बहू किसी किस्म दे जवाब विच गुरु नानक कहंदे ने, साले ते बैसा स्वामी जे भेजे ते जावा, ये नहीं कि मैं नहीं बसना चाहता, मैंने तो जिथे बसा मैं उथे बसांगा, गुरु नानक ये आख रहे हैं, जिस जन्म विच भेजेगा जावांगा, मैंने तो दुनिया की हर नगरी हर गांव बड़ा चंगा लगता है, बाबा कबीर कहता मैं चंगा नहीं लगता। हम देखो गुरु नानक का समझाने का तरीका कहते ने, जै बसाले तै बैसा स्वामी जै भेजे तै सब नगरी में को राजा सब पवित्र है थावा, बाबा दे वसा, कबीर आख रहे बाबा अब ना बसो ये गाँव, इत्थे भी लफज बिल्कुल ओही ने, बाबा उत्थे बाबा अब ना बसो ये गाँव, ते गुरु नानक आखदे ने बाबा दे वसा, बिल्कुल उनके जवाब विच कहंदे ने बाबा वसा सच गावा, जेड़ा कूड़ दा धोखे दा फरेब दा साइड इफेक्ट है ना उन्दे तो बचन लई मैं सच ते पहरा देना सिखा, सच बोलना सिखा, सच दा सामना करना सिखा, मैनू एक जुरत दे के मैं सच गा सका, फिर बेशक इसे ही संसार विच रहां ते भावे इसे ही नगरी विच रहां मैनू कोई परेशानी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कहंदे ने बाबा दे वसा सच गावा, बाबा दे वसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा। हुण देखना है गुरु नानक दुनिया छुड़ांदे नहीं, गुरु नानक दे तो निराश नहीं करदे, कहंदे नहीं दे किसे दुश्मन ने बनाई है, एक पासे तो आख रहे हैं गुरसेवा ते भगत कमाई ताबे मानस दे पाई एनी महंगी मिली है, फिर आखना है मैं इहदे विच रहना नहीं चाहता, हाँ इहदा जिहड़ा साइड इफेक्ट है ना उहनू समझ लै,
जी उन्दे तो बच जाए फिर दुनिया सुभान है गनीमत है फिर ये दे महान है एहो गल बाबा कबीर नु समझा रहे ने पर बाबा कबीर अपने विचार जेड़े पहले दिते ने वो तुहाडे नाल सांझे कर रहा है कहंदा है बाबा अब ना बसो समझन दी लोड़ है खतरियां तो भी बचना है आने वाले झूठ ते धोखे तो भी सुचेत रहना है ते दुनिया छड़नी भी नहीं इउं गुरु ने समझाया है खतरियां तो बचन ले ताकि जीवन सुचेत रहे चेतनता विच रहे खतरियां तो बच सके इन्हां शब्दां नाल खिमा दा जाचिका फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।